सो फॉर देम इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. किसके लिए? पेरेंट्स के लिए. और चिल्ड्रन के लिए क्या है, उनको सर्वाइवल से मतलब नहीं है, बट उनके आंखों में जो चमक आती है, द ग्लिटर, द ग्लो दैट कम्स अप टू देयर आईज, जब भी वो रैग पिकिंग में कुछ ना कुछ नोट, कुछ ना कुछ गोल्ड मिल जाता है उनको, तब. वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस. आई लाइक द गेम. तो साहेब वॉज विटनेसिंग द गेम ऑफ टेनिस. फेंस्ड गेट मतलब गार्डेड गेट, जिसको गार्ड किया गया है, जिसका सिक्योरिटी रखा गया है. उस गेट के यहाँ पर खड़ा होकर साहेब वॉज वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस. ऑफकोर्स द यूनिफॉर्म दे वर वेयरिंग, टू मैन वर वेयरिंग यूनिफॉर्म ऑफ टेनिस प्लेयर्स. और उसने क्या बोला, आई लाइक द गेम. ही लाइक्स द गेम ऑफ टेनिस. ही हम्स, ही मर्मर्स, ही विस्पर्स, वो धीमी आवाज में बोलता है. कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. कंटेंट हियर मीन्स सैटिस्फाइड. ही इज वेरी मच सैटिस्फाइड वाइल वॉचिंग द टेनिस गेम बाय स्टैंडिंग ऑन द गेट. आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड. ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग. ऑफकोर्स जो ग्राउंड या प्ले ग्राउंड होते हैं, टेनिस ग्राउंड हो गया या कुछ भी पार्क हो गया, तो वहां पर ऐसे क्या बोलते हैं, रैक पिकर्स की एंट्री अलाउड नहीं है. दे आर नॉट अलाउड टू गेट इन साइड दोज काइंड ऑफ प्ले ग्राउंड बिकॉज दे आर ओनली फॉर प्लेयर्स, दे आर ओनली फॉर स्पोर्ट्समैन. बट जब भी कोई नहीं होता है, वेन एवर द पार्क और वेन एवर द फील्ड इज अलोन, वेन एवर द ग्राउंड इज अलोन, देन द गार्ड, द गेट कीपर, द वॉचमैन अलाउ साहेब टू गो इन टू द टेनिस फील्ड एंड यूज द स्विंग. वहां पर कोई झूला लगा हुआ होगा और वो स्विंग को यूज करता है. साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक्स प्रिटी स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स. साहेब को कहीं से टेनिस शूज मिल गए होंगे. मे बी देयर वर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज इन द प्ले ग्राउंड और मे बी ही फाउंड देम इन द गार्बेज. ही वॉज वेयरिंग द शूज विच लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स. शर्ट्स एंड शॉर्ट्स उसके, उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो डिसकलर्ड थे. कैन एनी वन टेल मी वाई दे वर डिसकलर्ड? उनमें रंग नहीं था, देर वर नो कलर इन दैट. कैन एनी वन टेल मी वाई वॉज इट द केस, वाई वर दे डिसकलर्ड? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. एनी वन यूज योर ब्रेन, वाई वॉज द कलर, वाई वर द ड्रेस और वाई वर द क्लोथ्स दैट साहिबे आलम वॉज वेयरिंग नॉट कलरफुल? हमने पढ़ा था कलर फेडेड ड्यू टू कंटिन्यूस रोमिंग. वेरी गुड, बिकॉज ही इज अ रैग पिकर. वेरी गुड, ओके. हमने एलिमेंट्री क्लासरूम में पढ़ा था पेल वॉल्स, सावर पेल वॉल्स, सावर कलर्ड वॉल्स. मतलब यही है कि ही वॉज नॉट अ रिच पर्सन और ही डिड नॉट इवन हैव प्रॉपर एमिनिटीज, प्रॉपर नेसेसिटीज ऑफ हिज लाइफ. तो वो एक ही शूज को, एक ही शर्ट्स को बार 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 पहन रहा था और इस वजह से उसके शर्ट्स, उसके शॉर्ट्स जो है वो डिसकलर्ड हो गए थे. समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. साहिबे आलम ने बोला कि द शूज वर गिवन टू मी बाय समवन. द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर मी. ऑफकोर्स द शूज वर नॉट परफेक्ट, वो परफेक्ट शूज नहीं थे, उन शूज में कहीं ना कहीं होल हो रखा था और किसी रिच बॉय ने बोला होगा कि होल वाला शू मैं नहीं पहनूंगा. यू पुट योर सेल्फ इन दैट कंडीशन इफ योर पेरेंट्स टेल यू दैट तुम ये होल वाला शू पहन के स्कूल जाओ या टेनिस खेलने जाओ या बाहर कहीं जाओ, विल यू गो? ऑफकोर्स नॉट. वी लिव इन अ वेरी सिविलाइज एंड वेरी अपटाइट सोसाइटी, जहां पर हम लोग किस तरह से स्माइल कर रहे हैं, किस तरह से हैंड का जेस्चर कर रहे हैं, किस तरह से हमारी हेयर स्टाइल है, उसको भी जज करती है सोसाइटी. आप एक बार घर से बाहर निकलोगे, आपके पेरेंट्स आपको छोड़ देंगे, बट आपके नेबर वाली आंटी, आपके रिलेटिव्स, आपकी वो कॉर्नर में जो अंकल रहते हैं, जो आपसे हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, वो आपको बहुत नोटिस करेंगे. तो ऑफकोर्स यू कैन नॉट वेयर अ शू विच हैज अ होल इन इट. बट साहिब आलम डज नॉट केयर. ही इज वेरी हैप्पी दैट ही डज नॉट हैव टू रोम बेयर फुट. ही इज वेरी हैप्पी दैट ही हैज गॉट टेनिस शूज ऑफ द गेम विच ही लाइक्स वेरी मच.
उसको टेनिस पसंद है, अब टेनिस वो खेल तो नहीं सकता, बट एटलीस्ट ही गॉट शूज लाइक द टेनिस प्लेयर्स. तो ही टोल्ड दैट समवन गेव इट टू मी. डिस्कार्डेड मतलब रिजेक्टेड, ऑफ कोर्स समवन रिजेक्टेड द शूज. अगेन वो शूज उस पर्सन के लिए गार्बेज थे, बट साहिब आलम के लिए दो शूज वर वेरी प्रेशियस. दिस शूज वर लाइक अ गोल्डन थिंग. फॉर वन हु हैज वॉक बेयर फुट, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू. जिस बंदे ने ऑलमोस्ट अपनी लाइफ बेयर फुट गुजारी है, ही हैज वॉक बेयर फुट फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, ही हैज गॉट अ शू शू ही डज नॉट केयर इफ इट हैज अ होल और नॉट, इट इज स्टिल अ ड्रीम कम ट्रू. ऐसा लगा कि उसका सपना सच हो गया है. बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच. इंटेंटली विद कीन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में ही इज वॉचिंग द गेम विद सच अ डीप डीप इंटरेस्ट. बट अनफॉर्चुनेटली ही कैन नॉट प्ले द गेम. वाई नॉट? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ द गेम. सेकेंड ऑफ ऑल यू हैव टू हैव अ रैकेट, टेनिस रैकेट एंड टेनिस बॉल. थर्ड ऑफ ऑल यू शुड हैव अ पार्टनर टू प्ले विद. डू यू थिंक एनी वन वुड बी विलिंग टू प्ले द गेम विद साहिब आलम? ऑफकोर्स नॉट. ही इज जस्ट अ पुअर रैक पिकर. ही विल नॉट बी अलाउड, ही विल नॉट हैव द एंट्री टू प्ले द गेम विद एनी ऑफ द टेनिस प्लेयर्स. दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. अब नाउ वन मॉर्निंग द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग द सिनेरियो. वो क्या कर रहा था? दिस मॉर्निंग कहाँ गया यार, ये क्या हो रहा है? यस, दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर. कैनिस्टर केटल, जो आप क्या बोलते हैं, चाय की केटल होती है. वेट लेट मी ड्रॉ. आई डोंट नो इफ दिस इज द करेक्ट डिपिक्शन. और यहाँ आपका लिड होता है, तो यू फिल द टी इन दिस वन और दिस स्टेज हॉट, दिस स्टेज वॉर्म फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड. अब साहेब ने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया है. ही हैज बिकम अ वर्कर एट अ टी स्टॉल एंड ही इज कैरिंग अ स्टील कैनिस्टर ऑफ टी. ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स. उसका सैलरी, उसका वेज क्या है? ही इज गिवन 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स, हिज डिनर, हिज ब्रेकफास्ट एंड हिज लंच आर कवर्ड. डज ही लुक, डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क. हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक. दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग. He would so carry so lightly. He would carry so lightly. आगे क्या है? एक तो ये ऑनलाइन का बहुत ही मुश्किल. Over his shoulder, the bag was his. The canister belonged to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. समझते हैं पूरे पैराग्राफ को. बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से. अभी तक हमने क्या समझा? साहिब वॉज अ रैक पिकर. रैक पिकर वाले प्रोफेशन में क्या था? देयर वॉज वंडर. ऑफकोर्स देयर वॉज वंडर. वाई? बिकॉज जब भी उसको गार्बेज में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल एलिमेंट मिलता था, हिज आईज यूज टू लाइट अप. ही हैड दैट स्माइल, ही हैड दैट प्लेजर, ही हैड दैट हैप्पीनेस ऑन हिज फेस वेन एवर ही यूज टू डिस्कवर सम वैल्यूएबल आइटम. सेकेंड, ही हैड अ केयर फ्री लुक. उसको किसी की बात मानना नहीं मानने से कोई मतलब नहीं था. साहेब वॉज हिज ओन बॉस. ही वॉज हिज ओन बॉस. ही डिड नॉट फॉलो एनी ऑर्डर ऑफ एनी अदर पर्सन. ही डिड नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बॉस, एनी अथॉरिटी. ही वॉज रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स विद हिज गैंग, विद हिज टीम मेंबर्स, ऑन हिज ओन फ्री विल, ऑन हिज ओन फ्री विश. If he wanted to stay in this street, he used to stay. If he wanted to move from this street, he used to move. So, of course, he used to love his job, even though it was a job of rag picking, because in that job, he had freedom, he had independence, and he had an element of wonder in his life. But now the situation has changed. He is working at a tea stall. Now he has a master.
He no longer is the master of his own. He no longer is the boss of his own. He has to follow the orders, the commands, the instruction given by the tea stall owner. Even though he is earning more now, he does not have the carefree look. He has lost the shine, the glitter, the glow of the carefree look. He is no longer independent. He has to follow whatever the tea stall owner says. अब बहुत ही अच्छा है, जब रैक पिकिंग करता था तो उसके पास में क्या होता था, गार्बेज बैग और नाउ ही हैज द स्टील कैनिस्टर, द स्टील केटल. नाउ ऑफ कोर्स द गार्बेज बैग वाज एक्चुअली वेरी हैवी. टी केटल तो क्या होता है, उसमें क्या एक किलो चाय होगी ज्यादा से ज्यादा, 1 लीटर सॉरी, और गार्बेज बैग में तो बहुत सारा गार्बेज होता है. बट स्टिल He felt that garbage bag was very much less in weight and tea kettle was more in weight because he was very much careless, very much carefree, very much independent when he was a rag picker. और अब इसके ऊपर क्या भार आ गया है, to follow the order of his master. Now he is under the pressure, under the force, under the weight of his master. समझ में आया? मतलब poverty के वजह से उसके लाइफ में पॉवर्टी था. ऑफ कोर्स अंडरस्टूड दैट साहिब आलम वाज वेरी मच अ पुअर फेलो. ही डिड नॉट इवन हैव प्रॉपर क्लोथ्स टू वेयर, प्रॉपर शूज टू वेयर, प्रॉपर लिविंग लाइफस्टाइल. बट व्हाटएवर ही डिड, इट वाज आउट ऑफ हिज ओन फ्री विल. ही वाज अ मास्टर ऑफ हिज ओन वर्क, ऑफ हिज ओन डीड. ही वाज रोमिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद हिज गैंग मेंबर्स, विद हिज फ्रेंड्स, विद हिज ग्रुप ऑफ पीपल. बट To overcome from his poverty, he had to sacrifice his freedom, his carefree look, and his friends. Now he has to work in a team at a tea stall, follow a proper time schedule, proper daily routine, and follow the orders and instructions of his tea shop owner, of his master. So of course, he felt that the tea kettle was very much heavier than the garbage bag. Because now he has lost all his freedom. This is clear or not? Yes, clear के लिए yes लिख के भेजो, not clear के लिए no लिख के भेजो. जल्दी से. Yes. Okay. I'm assuming everyone has got their stories cleared. Please explain again. Which part? आपको पूरा पार्ट समझ में नहीं आया सोलह, because I have repeated it 3 times. Which particular line or phrase you did not understand? मैं वापस एक बार समझा देता हूँ फटाफट से. We will take a quick review of this thing. The last paragraph. साहिब ए आलम was firstly a rag picker. उसमें he was free. There was an element of wonder in his life. He was carefree. He was his own boss. He was his own master. There was no pressure of earning a livelihood. He roamed around from one place to another with his friends. He used to carry a garbage bag. But now is what is happening. He is working at a tea stall. He has to follow the orders of other people, of the tea master. He is no longer the master of his own. His life is dependent on his work for earning his money as well as his meals. He feels that the tea canister or the tea kettle that he carries is much heavier than the garbage bag because of the pressure, because of the force, because of the influence that he feels of the tea master, of the tea shop owner. So that is why he is not at all happy working at the tea stall. He feels that he has to work at the tea stall to earn a better livelihood, but in that process he has lost his carefree look, his freedom, his independence, his innocent childhood days. यहाँ पे वो एक जगह से दूसरी जगह जाके अपना चाइल्डहुड आराम से स्पेंड कर रहा था. ही वॉज हैप्पी,
but he has to work now under the command of some other person, he is not at all happy. I hope this is clear now, Soleha. Yes. आपका आज का होमवर्क यही है. यू हैव थिंक एज यू रीड. देर आर थ्री क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर ऑल ऑफ देम. थ्री क्वेश्चंस के सारे के आंसर्स आपको लिखने हैं. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस नाउ. ये वाला अभी जस्ट किया इस साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. आपको लिखना है व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही फ्रॉम एंड वेयर ही हैज कम फ्रॉम. ये सारी चीजें लिखनी है. He has come from Dhaka. He is situated in Simapuri, which is a slum area in the periphery, in the border of Delhi. He lives in a very pathetic, miserable condition. What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? Because they can't afford footwear, and even if they can afford footwear, they follow the tradition of not wearing it. Simple answers hain, zyada bade bade nahi likhne hain. All right, moving on to the next story. The next protagonist of our story, उनका नाम है मुकेश. मुकेश ने क्या स्टेटमेंट दिया है? I want to drive a car. Now this story, देखो, first story में क्या था? It is ruining of their childhood. बंदे बच्चे जिस उम्र में पढ़ना लिखना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए. Of course he earns more money as a tea stall worker. मनी जो है वो टी स्टॉल में ज्यादा है. उसके तीनों टाइम का खाना कवर्ड है और 800 रुपए और उसको मिल रहे हैं. तो देयर इज मोर मनी. बट क्या बच्चों को मनी से कोई लेना देना होता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट. दे डोंट केयर अबाउट मनी, दे केयर अबाउट देयर फ्रीडम मोर. आप अगर बच्चों को बोलोगे कि आप जाओ आराम से खेलो कूदो और दिन रात को वापस आओ, अगर उस बीच में आपको 2-4 रुपए मिल जाते हैं गार्बेज में तो हमें दे देना, तो बच्चे खुशी खुशी वो कर लेंगे डिस्पाइट ऑफ गोइंग टू अ स्केड्यूल टाइम कि भाई तुम चुपचाप यहाँ 7 बजे आ जाना सुबह, चाय पीना लोग स्टार्ट कर देते हैं और 7 से लेके शाम को 5 बजे तक तुम्हें यही रहना है और तुम्हें चाय इधर उधर करनी है. तो ऑफकोर्स द चाइल्ड विल नॉट बी विलिंग टू डू दैट. द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट लॉस ऑफ इनोसेंस, lost of childhood, lost of freedom, lost of carefree days. And second story is about lost of ambition. आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा है, एक will है, एक desire है, एक passion, एक ambition है, aspiration है. But that aspiration cannot come true because you are a poor person. और वो कैसे है वो हम पढ़ेंगे इस second story में. Mukesh insist, he insist मतलब he is very much determined, he is very much dedicated on being his own master. Usko khud ka master banna hai, usko khud ka boss banna hai. I will be a motor mechanic, he announces. His ambition, his dream, his goal, his objective, his target, his aim, his motto is to become a motor mechanic. Sorry. is to become a motor mechanic, he announces. He proclaims that I will become a motor mechanic. Do you know anything about cars? I ask. Anis Jung ne interview liya hai ab Mukesh ji ka. To Mukesh ji se pucha hai, theek hai, aapko motor mechanic banna hai. Do you have any sort of knowledge of car? I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. Jab bhi koi confident hota hai, koi determined hota hai, someone who knows that I will do this, who has a strong willpower, वो कभी भी नजरें नहीं चुराता है. वो आपके आंखों में आंखें डाल के बोलता है दैट आई विल बी एबल टू डू दिस, आई एम केपेबल टू डू दिस, आई हैव द करेक्ट टैलेंट एंड स्किल सेट टू डू दिस. तो मुकेश ने भी वैसे ही आंसर दिया. ही लुक स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ द ऑथर एंड ही सेड आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल दिस टाउन ऑफ फिरोजाबाद. बहुत सारी चीज है. लूम्स मतलब लिखो लिंगर्स, पसरना हिंदी में जिसको हम पसरना बोलते हैं, स्प्रेड, मिराज. व्हाट इज मिराज नाउ? लिखो इल्यूजन, सॉरी इल्यूजन यहां लिख रहा हूं मैं. मिराज मतलब इल्यूजन, डिल्यूजन. अब मिराज मतलब मैं बताता हूं एक्चुअल मीनिंग क्या होता है हिंदी में जिसको बोलते हैं भ्रम. हमने ये वर्ड्स थर्ड लेवल में भी देखे थे. ऑलराइट,
यू नो डेजर्ट्स, राइट? डेजर्ट, रेगिस्तान हम जानते हैं, रेगिस्तान में दूर दूर तक रेत ही रेत रहता है, दैट इज डेजर्ट. नाउ इमेजिन दिस वन गाय इज स्टैंडिंग इन द डेजर्ट एंड ही इज वॉकिंग इन द डेजर्ट, नॉट जस्ट स्टैंडिंग, ही इज वॉकिंग. अब वो वॉक कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है. नाउ डेजर्ट्स आर यूजुअली वेरी वेरी हॉट, डेजर्ट्स आर वेरी वेरी हॉट एंड वहां पे सन जो है वो डायरेक्टली आपको हिट करता है एंड यू फील वेरी थर्स्टी, आपको प्यास लगती है. यू हैव दिस थर्स्ट फॉर वाटर, क्वेंच फॉर वाटर. आप क्या करते हो, डेजर्ट में जाते हो. अब शाइन, ये जो डेजर्ट है, सॉरी सन है, वो इस सैंड पे इस तरह से चमकता है, इस तरह से ग्लो करता है, शाइन करता है कि आपको लगता है यहाँ पर पानी है. देर इज अ लिटिल वाटर हियर. सैंड इस तरह से ग्लो करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट यू थिंक दैट देर इज अ वाटर. आप चलते चलते यहाँ पहुंचते हो, आपको लगता है पानी यहाँ नहीं है और कहीं दूरी पर पानी है, आपको वापस यहाँ पानी नजर आएगा. आप यहाँ तक जाते हो, आपको वो पानी नहीं मिलता है, बिकॉज इट्स जस्ट द इल्यूजन, इट्स जस्ट अ मिराज ऑफ, क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ सैंड एंड सनशाइन. देर इज नो एक्चुअल वाटर प्रेजेंट देयर, इट्स एक्चुअली एन इल्यूजन ऑफ वाटर, एक भ्रम है पानी का, वहां पर पानी अवेलेबल नहीं है. और इसी तरह से वो बंदा चलते 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 आखिर में ही डाइज आउट ऑफ थर्स्ट. तो वैसे ही यहाँ पर मुकेश के टाउन के बारे में बात की गई है. मुकेश के टाउन का नाम क्या है, फिरोजाबाद. ही लिव्स इन फिरोजाबाद और इसी तरह का मिराज उसने अपनी लाइफ में एज अ सपना, एज एन एस्पिरेशन लेके डेवलप कर लिया है. ही थिंक्स दैट ही विल बी एबल टू बिकम अ कार मैकेनिक, ही विल बी एबल टू अफोर्ड अ कार, ही विल बी एबल टू परचेज अ कार एंड विल लर्न टू ड्राइव अ कार. इट इज जस्ट अ मिराज, इट इज जस्ट एन इल्यूजन, उसका एक भ्रम है. एक्चुअल में ये, रियल में ये पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज रियली रियली वेरी वेरी पुअर. His dream looms like a mirage. उसका ड्रीम जो है वो एक मिराज की तरह पसरा हुआ है, एक ड्रीम की तरह स्प्रेड है. Amidst the dust of streets that fill this town of Firozabad. Amidst मतलब among, बीच में जो फिरोजाबाद की गंदगी है, वहां का डस्ट है, वहां का डर्ट है, उस डर्ट के बीच में, उस डस्ट के बीच में मुकेश ने एक ड्रीम डेवलप किया है एंड दैट ड्रीम इज नथिंग मोर देन अ मिराज. फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद इज अ सिटी विच इज फेमस फॉर बैंगल मैन्युफैक्चरिंग, बैंगल मेकिंग. बैंगल मीन्स चूड़िया, चूड़िया बनाते हैं फिरोजाबाद के लोग मोस्टली. ये लाइन क्लियर है सबको, आई होप दिस लाइन इज क्लियर टू एवरीवन. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड, is engrossed, is busy, is involved in making bangles. मतलब हर एक फैमिली जो है वो फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग का काम करते हैं. इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. देयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स. सो ऑफकोर्स फिरोजाबाद का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि इंडिया की सबसे बड़ी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, मतलब ग्लास को ब्लो करके, कांच जो होता है कांच, उसको ब्लो करके, उसको आग में तपा के वो लोग बैंगल्स बनाते हैं, वो लोग चूड़ियां बनाते हैं. तो इट्स अ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस. फर्नेस हमने देखा था, स्मेल्टर बोलते हैं, फायरप्लेस बोलते हैं, ये हमने रैक रैट ट्रैप सेलर वाले चैप्टर में देखा था. तो ऑफ कोर्स पीपल हु यूज्ड टू मेक बैंगल्स दे हैव टू वर्क अराउंड फर्नेसेस. वो भट्टी के पास में बैठकर बैंगल्स बनाते हैं, ग्लास को मेल्ट करते हैं और फिर ग्लास से चूड़ियां बनाते हैं, वेल्डिंग ग्लासेस होते हैं. आई एम मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स. जितनी भी महिलाएं हैं हमारे देश में, हमारे कंट्री में, उनके लिए बैंगल्स सप्लाई कहाँ से होती है, फिरोजाबाद. महक, आई थिंक यू वर लेट इन द क्लास, मैंने आपको पहले ही बता दिया. फ्रॉम 18th द स्कूल इज प्लानिंग टू री ओपन. इट इज नॉट कन्फर्म, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अशोक गहलोत जी. सो वी कैन नॉट जस्ट से येट, बट आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें.
Mukesh's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. Of course, Mukesh ek chota bachcha hai abhi. He is not fully grown. He is still in his childhood, but still his family is making him work in the glass industry, in the bangle making industry. So it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in the dingy cell, dark cells, black cell, cell jisme lights nahi aati hai. Of course, wahan light ka kaam kaise ho sakta hai? Jahan bhatti hoti hai, jahan par furnaces hote hain, wahan bahut high temperature hota hai. Aur those cells, those rooms, those manufacturing industries are not light, not full of light. They are dark, they are dingy, without air and light. वहाँ लाइट नहीं होती है, वहाँ एयर प्रॉपरली नहीं सप्लाई होती है, बिकॉज वहाँ दिन भर चारकोल जलता रहता है. तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रियली लेस विदाउट एयर एंड लाइट दैट द लॉ इफ इन्फोर्स कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स. देयर आर 20,000 चिल्ड्रन हु आर वर्किंग इन दोज डार्क डिंजी सेल and spoiling their childhood, not studying, not learning, not gaining education at all. They have to help their parents, they have to help their grandparents in manufacturing bangles so that they can support their lifestyle. They spend their days working. Work karte karte wo spend kar rahe hain. Often losing the brightness of the eyes. Of course, आप अगर glass का काम कर रहे हो, आप welding का काम कर रहे हो, आप hot furnaces में हो, जहाँ proper living conditions नहीं है, जहाँ proper working conditions नहीं है, there is no proper supply of air and light, then you are bound to lose your eyesight. आपकी eyesight आप lose कर सकते हो, आपकी आँखों की रोशनी आप lose कर सकते हो. तो Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. Mukesh ki aankhein jo hai wo chamak rahi hai. It's glowing, it's glittering. Beam matlab light. Abhi to Mukesh ki aankhon mein bahut chamak hai, bahut light hai, bahut wonder hai. Kyun? Because he is excited to bring the author to his home. Aur wo batata hai ki hamara naya ghar ban raha hai aur aapko hamare naye ghar pe chalna padega. He brings the author to his home, which is being renovated, which is being rebuilt. अभी ऑफ कोर्स मुकेश की आंखों में चमक है, बट व्हेन ही कीप्स वर्किंग और जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब तक उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स. चलो अभी इतना ही पढ़ेंगे आज के लिए. वी विल नॉट स्ट्रेच मोर, वी हैव रेड इनफ. ऑलराइट गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज सेशन एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन पिंग मी. कंप्लीट टुडेज क्वेश्चन आंसर्स. आई होप थर्ड लेवल के क्वेश्चन आंसर्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे. अगर नहीं किए हैं तो यू हैव टू डू इट एज सून एज पॉसिबल. डोंट स्लैक. आपकी स्कूल्स खुलने वाली है और अब आपका होमवर्क भी चेक होने वाला है. यू हैव नो एक्सक्यूज नाउ. जितने चैप्टर्स कंप्लीट हैं मैं एक एक कॉपी में एक एक आंसर चेक करने वाला हूँ. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. अगर आपके आंसर्स क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं है, डू कंप्लीट देम एज सून एज पॉसिबल. Thank you very much. Bye-bye. Take care. अच्छा वेट, सत्यनारायण पारिक है क्या हमारे यहाँ पर? एनी सत्यनारायण पारिक इज हियर? और अगर नहीं भी हो तो आप मुझे उनसे संपर्क करने के लिए बोलना. इफ ही इज योर फ्रेंड, लेट हिम नो दैट प्लीज कॉन्टेक्ट मुदित सर. Do tell him, Satyanarayan Parikh. Thank you very much. Thank you. Bye, guys.